हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि है गवर्नमेंट स्कूल केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्कूल और जो JNV है यानी कि आपका नवोदय स्कूल है, उसके जो रीओपनिंग है स्कूल के, उससे रिलेटेड मैं आपको आज अपडेट दूंगी कि आप लोगों के जो स्कूल्स हैं वो कब तक खुलेंगे, आप लोगों के कब तक स्कूल खुलेंगे और साथ ही में कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक स्कूल खुलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो KV और नवोदय स्कूल हैं वो कब से खुलेंगे। इस साल आप लोगों को पता है, इस साल भी आप लोगों का जो स्कूल है वो आपका जो सेशन है वो नहीं लगा, सब ऑनलाइन हुआ है, तो स्कूल नहीं खुले थे। जो 9 से 12 तक के खुले थे तो बाद में वो भी बंद हो गए थे कोरोना केसेस की वजह से। अब बात आ रही है कि न्यू सेशन की जो क्लासेस हैं, न्यू सेशन है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये है कि बताया जा रहा है कि आप लोगों के जो KV और नवोदय हैं वो आप लोगों के, अभी तो आप लोगों के समर ब्रेक मिला है, आप लोगों को समर वेकेशन है, इसके बाद से आपके जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो है कि आपके जून में स्कूल खुलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जून में जो स्कूल खुलेंगे वो 1 से 8 के लिए नहीं खुलेंगे। जो भी 1 से लेके 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके जून में स्कूल नहीं खुलेंगे। आप लोगों की जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जैसे पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, वो वैसे ही रहेगी। 1 से 8 के लिए अभी स्कूल बिल्कुल भी रीओपन नहीं होंगे। और बात है आपके 9 से 12 के लिए, तो 9 से 12 के लिए हो सकता है कि आप लोगों के ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस लगेंगी, मतलब आप लोगों की ऑफलाइन पढ़ाई हो सकती है कि आपके स्कूल में हों, ऑल्टरनेट डेज में हों, कि आप लोगों के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरे डे बुलाया जाए और कुछ स्टूडेंट को दूसरे डेज बुलाया जाए। मीन्स ऐसा ऑल्टरनेट वाइज आप लोगों के क्लासेस चल सकती हैं 9 से 12 के लिए, जिसमें से अभी 9th और 11th का कंफर्म नहीं है। 10th और 12th का ऐसा माना जा रहा है कि अभी आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन लगेंगी, यानी आपके स्कूल जाके, मतलब जो अभी आपकी लास्ट टाइम लगी थी जो क्लासेस आपकी लगी थी, बहुत से स्टूडेंट जो 10th और 12th के, उनके ऑफलाइन क्लासेस लगी थी स्कूल जाके, लास्ट टाइम वो बंद हो गई थी क्योंकि कोरोना केसेस में आप लोगों के फिर से इंक्रीमेंट हो गया था, इस वजह से केसेस इंक्रीज़ हो रहे थे तो आप लोगों के वो क्लासेस बंद हो गई थी, फिर आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई थी। लेकिन अभी आप लोगों का फिर से देखा जा सकता है कि जून में आप लोगों के जो 10th और 12th थे, जो भी स्टूडेंट 10th में और 12th में जाएंगे अब, तो उनकी क्लासेस हो सकती हैं कि ऑफलाइन लगें। बाकी जो 1 से 8 थे वो अभी भी जून में उनकी क्लासेस रीओपन नहीं होंगी, उनके स्कूल रीओपन नहीं होंगे। तो प्राइमरी के अभी स्कूल रीओपन नहीं होंगे। 9 से 12 के आप लोगों के हो सकते हैं ऑफलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, जिसमें से 10th और 12th का अभी कन्फर्म माना जा रहा है क्योंकि 10th और 12th बोर्ड है। तो जो भी पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो घबरा रहे हैं कि जून में अगर हमारे स्कूल खुलेंगे तो ऐसा ना हो, क्या होगा क्या नहीं, तो अभी जो 1 से 8 थे तो वो प्रिपेयर है, उनके स्कूल अभी नहीं खुलने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल 1 से 8 के तो स्कूल्स रीओपन नहीं होने वाले हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा और आप लोगों को हो सकता है वो स्कूल आपके इसी सेशन से स्टार्ट हो, लेकिन अभी जून में बिल्कुल स्टार्ट नहीं होंगे। आप लोगों के अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो सकते हैं अगर कोरोना केसेस में अगर फिर से इंक्रीमेंट ना हुआ हो, फिर से आप लोगों की उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई हो। तो बाकी जैसे आप लोगों की पढ़ाई होती है, जो ऑनलाइन हो रही है आपकी, वैसी पढ़ाई चलेगी 1 से 8 की, और 9 से 12 की आप लोगों के सोचा जा रहा है, प्रिपरेशन हो रही है कि 9 से 12 की क्लासेस ऑफलाइन लगाए जाए। तो ये है आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट। इस पे आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि आपके स्कूल जल्दी रीओपन हो या फिर थोड़ा पोस्टपोन हो जाए। जो भी आपके व्यू हैं या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इससे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, आपके क्या थॉट्स हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।